हेलो व्यूवर्स वेलकम टू अर चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पेपर जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क वुड बी अबाउट एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडियंस एंड पर्पज इन राइटिंग प्रोसेस ऑडियंस या पर्पस या या का रोल क्या है इन राइटिंग प्रोसेस और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक डू यू मीन बाय कोडर इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं और फ्री राइटिंग क्या है क्लस्टरिंग लूपिंग ड्राफ्टिंग तो ये सब चीज़ों का आप जो है थर्ली स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम uh, के लिए प्रिपेयर कीजिए क्या लेटर राइटिंग में वहाँ पे आ सकता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंप्लेंट और यू आर अप्लाइंग फॉर सम जॉब या उसके लिए आ सकता है सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर लेटर फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू इफ यू आर राइटिंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यू नीड टू थिंक एंड थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ओवर देयर और इफ़ यू आर डूइंग द कंप्लेंट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट Uh, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो हम उसके लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर रहेंगे तो क्या हम लिखेंगे वहाँ पे सेम अप्लाइज टू द इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब और ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स में भी यू नीड टू टेक इनटू टू द लिस्ट ऑफ़ थिंग्स यू आर गोइंग टू ऑर्डर या उनका लिस्ट आपको लिखना है बाजार जो चीज़ें आप परचेज़ करना, करना चाहते हैं और जिस कंपनी से परचेज करना चाहते हैं एंड यू नीड टू पे स्पेल अटेंशन टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर फर्स्ट ऑफ आल यू मस्ट डिसाइड वट काइंडटर यू आर गंग राइट इज़ इट फॉर्मल और इज इट इनफॉर्मल और इज़ इट अज़नेस लेटर एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान यूर राइटिंग then the fourth question that uh, could be asked in the examination would be uh, write various uh, steps of email writing email writing pe uh, ek aur video uh, already mere channel par hai aap ja ke usko check kar sakte ho wahan pe detail mein likha gaya hai uh, explain kiya gaya hai ki how you can write an email what are the important components of cv curriculum vitae uh, curriculum vitae आप लोगों को पता ही है when you are applying for some job you राइट इट ऑन सम डॉक्यूमेंट अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दबजेक्टिवज़ योर एक्सपीरियंस रिलेटेड विद द जॉब वो आप उस चीज़ में mention करते हैं एंड देन यू अप्लाई फॉर जॉब तो उसमें के इंपॉर्टेंट components क्या है वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आप uh, कैसे लिखते हैं और उनमें लैंग्वेज uh, का ख्याल कैसे रखना है और स्टाइल कैसा होना चाहिए या उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उस पर आप जो है शॉर्ट नोट आ सकता है और राइट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग एंड अनाउंसमेंट या अनाउंसमेंट पे या नोटिस पे इस पे आ सकता है या सर्कुलर पे आ सकता है तो उसमें आपको ये जहन में एक चीज़ रखना है कि अनाउंसमेंट में आप क्या लिखेंगे एंड शुड बी शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए एंड वेन एवर यू राइट सम अनाउंसमेंट इसमें आप जो है बॉक्स में लिखेंगे यू हैव टू राइट द डेट ऑल्सो ओके द बॉडी ऑफ अनाउंसमेंट सेम अप्लाइज टू यू नो नोटिस और सर्कुलर द कंटेंट मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इस एक uh, जो है आइडिया पे आप अनाउंसमेंट लिखिए और इस चीज़ uh, पे आप इस सब्जेक्ट पे आप नोटिस लिखिए सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज़ वीडियो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू वेरी मच